अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आज तूफान गंभीर रूप लेगा, इसे लेकर कोलकाता और ओडिशा के तटों पर अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है, जबकि रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि बंगाल में सियालदह स्टेशन से आज रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। तो देखिए, एहतियातन तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन ओडिशा के तटों पर खास करके अलर्ट जारी किया गया है और माना यह जा रहा है कि इसका जो असर है बिहार झारखंड में भी देखने को मिलेगा। ये तीन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे देखिए ओडिशा के पुरी से यह तूफान गुजरेगा और ऐसे में जो हलचल है वो बढ़ी हुई है और ओडिशा के पुरी तट पर अलर्ट भी जारी कर रखा गया है और एहतियातन सतर्कता बरतने की अपील की गई है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। और देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी किस स्तर से हो रही है उसकी भी एक तस्वीर सामने आई है। और देखिए, राज्य से बड़ी खबर, जहां मौसम का मिजाज से यहां बदल चुका है। चक्रवात डाना के आने के पहले का असर दिखना शुरू हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो रांची से ये बड़ी खबर, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ साथ तेज हवा भी चल सकती है, तो शुरुआती जो असर है वो अब डाना का दिखने को मिल रहा है और दिखना यह शुरू भी हो गया है। बताया जा रहा है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। चक्रवाती तूफान डाना का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के करीब 19 जिलों में डाना का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्थल से टकराएगा। हालांकि बिहार आते आते उसकी गति धीमी होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। चक्रवर्ती तूफान डाना का असर जो है वो बिहार में भी देखने को मिलेगा और अगले 2 दिनों तक बिहार में जो है इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के 19 जिलों में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा आज और कल। इन जिलों में आंधी पानी के जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं। जो जानकारी मौसम विभाग के जानकारों ने दी है उनके मुताबिक उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच यह 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्थल से टकराएगा और बिहार आते आते उसकी गति जो है वो धीमी होने लगेगी। 25 तारीख की बात यानी कल की बात करें हम तो 25 को पटना सहित 17 जो जिले हैं जिसमें बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भोजपुर, बांका, जमुई, यहाँ पे जो है वो अधिक जो है आंधी पानी का जो है वो असर जो है वो देखने को मिलेगा। और इस दौरान जो मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने अलर्ट एक जारी किया है, येलो अलर्ट, और एक अपील की है लोगों से कि अगर बहुत आपको आवश्यक काम ना हो तो इस दौरान जो है खेत बधार में आप ना जाए, चूँकि बिजली गिरने की भी संभावना है और तेज आंधी पानी के जो है वो आसार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज से है, जहां बंगाल में उठे चक्रवाती तूफान डाना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। डाना तूफान का असर आज रात से देखने को मिल सकता है। जिले के सभी अस्पतालों को सिविल सर्जन ने अलर्ट किया है। डॉक्टर के साथ स्वास्थ्य कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तूफान को लेकर गोपालगंज में भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। गोपालगंज में आज रात में डाना तूफान का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस वक्त मौसम साफ है और सभी इलाकों में धूप निकली हुई है, लेकिन जिस तरह से तूफान को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर गोपालगंज प्रशासन भी सतर्क और अलर्ट मोड में है। गोपालगंज के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है उसे तैयार कर दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने ये कहा है कि तूफान के मद्देनज़र अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कहा यह जा रहा है कि जो तूफान है वो आज रात में यानी कि 24 अक्टूबर की रात में बिहार में प्रवेश कर रहा है और इसका असर गोपालगंज के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में तूफान को लेकर लोगों से अलर्ट और सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। चक्रवाती तूफान डाना की वजह से आज बिहार से होकर गुजरने वाली पारा ट्रेन रद्द रहेगी। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने संबंधित ट्रेन के यात्रियों को जानकारी दे दी गई है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार पटना पुरी स्पेशल, पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस, भुवनेश्वर धनबाद स्पेशल, पुरी जयनगर एक्सप्रेस, बेंगलुरु मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, आनंद विहार, पुरी नंदन कानन एक्सप्रेस समेत 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेन के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
तूफान दाना का असर जो है वो भारतीय रेल के परिचालन पे भी पड़ा है। और बताते चले कि आज बिहार से होकर के गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं, 12 ट्रेनें ऐसी हैं जिसे आज रद्द कर दिया गया है। और ये ट्रेनें जो है, इसके संदर्भ में मैं जानकारी देता हूँ कि कौन कौन सी वो ट्रेनें हैं जो रद्द की गई है। तो 03-230 पटना पुरी स्पेशल जो है वो रद्द की गई है, 22-644 पटना एर्नाकुलम एक्सप्रेस रद्द की गई है, 02-28-32 भुवनेश्वर धनबाद जो स्पेशल ट्रेन है वो रद्द की गई है, 02-831 धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन रद्द की गई है, 18-419 पूरी जयनगर एक्सप्रेस जो है वो रद्द की गई है। जो जानकारी एक महत्वपूर्ण ये भी है कि 03-321 गुरपा तिलैया राजगीर एक्सप्रेस जो है आज 24 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन गुरपा से दोपहर 2 बजे खुलकर शाम 4:30 बजे राजगीर पहुंचेगी। और आखिरी जो जानकारी है वो बताते ये भी चले कि 03-3350 दानापुर सहरसा स्पेशल ट्रेन का परिचालन जो है वो आज से 30 नवंबर तक प्रतिदिन होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है वो भारतीय रेल के परिचालन से जुड़ी हुई है। और इसकी जानकारी जो है भारतीय रेल ने भी वैसे यात्रियों को दे दी है जो इन ट्रेनों में अपना रिजर्वेशन करा रखे थे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।